हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, हमने इससे पहले वाले वीडियो में ना हमने पार्ट वन कवर किया था। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और मैंने आपको चैप्टर वन पढ़ा दिया था। ओके, चैप्टर वन में आप लोगों ने देखा था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी होती है और यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जिसका मतलब बताया गया है इस पीडीएफ में या फिर इस नोट्स में। तो यहाँ पर हम उसके आगे की चीजों को पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर टू है, अध्याय टू है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो यहाँ पे पढ़ा हुआ है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप देख सकते हैं तब कि यस यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। हॉस्टल वार्डन का ये पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग समझना कि भाई चीजें क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अध्याय टू है हमारा कि भाई हॉस्टल की स्थापना, ठीक है, हॉस्टल की स्थापना, एक हॉस्टल की स्थापना कैसे होती है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण कैसे होता है। एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। आपका जिसमें मन करता है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड किए जा चुके हैं हमारे EMRS के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ में आपको MCQs भी दिए गए, 100 MCQs। ओके, तो यहाँ पे समझो हॉस्टल वार्डन, एक हॉस्टल जो होता है, एक गवर्नमेंट हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे इस्टेब्लिश होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ आपको आज बताई जाएगी। तो सबसे पहले एक हॉस्टल को जब भी हम क्या करते हैं, इसको स्थापित करते हैं, तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले चीज है कि जो हॉस्टल पहले से बन चुके हैं, अब ये गाइडलाइन जब आई थी, गाइडलाइन का टाइम मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जब ये गाइडलाइंस आई थी तो उस गाइडलाइंस के, ठीक है, तो उस गाइडलाइंस के बाद 6 महीने तक के अंदर में आप जो भी एग्जिस्टिंग यानी कि जो पुराने हॉस्टल्स थे उनको रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है। यदि अगर वो चल रहे हैं अभी भी तो वो गैर कानूनी माने जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, देखो ना यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ दिस गाइडलाइन, नो हॉस्टल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल रन विदाउट रजिस्ट्रेशन, यानी कि जैसे ही ये गाइडलाइंस आए थे NCPCR के हॉस्टल्स के लिए, तो वैसे ही 6 महीने के अंदर अंदर में हर हॉस्टल को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं तो वो इलीगल माना जाएगा। दूसरा है कि रजिस्ट्रेशन अंडर दिस गाइडलाइन, ये बहुत मैंडेटरी है कि हर हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन हो, यहाँ पे मैंडेटरी करवाया है इन्होंने। कोई भी हॉस्टल हो, चाहे वो किसी एक इंस्टीट्यूशन का हो कि एक एजुकेशन कॉलेज का हो, जिसका भी हो, उसको कराना जरूरी है। जहां पर 18 साल से कम के बच्चे रहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी राज्य सरकार, किसी भी राज्य परिषद, किसी भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता हो, यहाँ पर ये चीजें हैं। दूसरी है कि पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है भाई, एक हॉस्टल को आप कैसे पंजीकृत करेंगे, एक हॉस्टल को आप कैसे रजिस्टर करवाएंगे। अगर मान लीजिए आप एक सरकारी हैं या फिर एक तरीके से आप किसी परिषद, किसी स्कूल के अंतर्गत आप हॉस्टल चलवाते हैं, सरकारी है, तो आप क्या करेंगे। हालांकि आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो मंत्रालय है, विभाग है, वो करवा देगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या कहता है भाई, कि जो भी हॉस्टल है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, आपके जिले के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को आप एक लेटर देंगे कि मैं ऐसा ऐसा हॉस्टल चलाता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, रजिस्टर करवाना है अपने इंस्टीट्यूट, जो आपका संस्थान है उसकी पूरी की पूरी आप जानकारी यहाँ पे देंगे। और ये जो आपका एप्लीकेशन, जो आपका एक तरीके से पंजीकरण जो प्रस्ताव जाएगा ना, ये जाएगा राज्य के शिक्षा अधिकारी के लिए। अगला आता है, और जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे, जो आप आवेदन करेंगे, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा। पहले बात तो वो फीस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है, और जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड यानी कि यहाँ पे जो मानदंड यहाँ पे बताए गए हैं कि एक हॉस्टल के लिए ये मानदंड जरूरी है, वो मानदंड की लिस्ट आपको भेजनी है अपनी। अगर वो हॉस्टल मैनेज करा जाता है गवर्नमेंट, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो या फिर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी स्टेट के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। अगर वो सरकारी हॉस्टल है तो उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस उनको क्या करना है कि भाई यहाँ पे ये देखना है कि जो ये गाइडलाइंस जारी करी है NCPCR ने, क्या हमारे हॉस्टल में उसको माना जा रहा है, क्या उनको एक तरीके से लागू किया जा रहा है। देखो यहाँ पे कि जो सरकारी हॉस्टल है उनको तो यहाँ पे नहीं करवाना है, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, ठीक है, उनको यहाँ पे नहीं करवाना है, लेकिन उनको ये देखना है कि जो NCPCR की गाइडलाइंस है,
क्या वो हमारे हॉस्टल यानी कि जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है, उसके हॉस्टल्स में जो एनसीपीसीआर के जो गाइडलाइंस है क्या वो फॉलो हो रही हैं? ये चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भी डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत जो आपके सरकारी हॉस्टल्स आते हैं, ठीक है, वो ये आवेदन करेंगे, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। सिंपली कि भाई आप एक वार्डन है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। हालांकि अगर आपका प्राइवेट है तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज सरकारी है तो आपका विभाग कर देगा आपके लिए। अब भाई आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आपने दे दिया, अब उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? अगर ऐसा कोई आवेदन आता है, सबसे पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है जो जिला शिक्षा अधिकारी है, पहले बात तो वो क्या करेंगे, आपकी आवेदन की जांच करेंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे कुछ आवेदनों को, यानी कि भाई ये आवेदन हम ले रहे हैं, बाकी सारे क्या हैं, बेकार हैं, या फिर बाकी सारे जो हैं वो मानदंड हमारे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैसे 10 आवेदन आए कि हम हॉस्टल रजिस्टर करना चाहते हैं, 10 में से 4 या 5 सिलेक्ट होंगे, क्योंकि जो 4-5 होंगे किसी पे डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा, किसी के नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे, किसी का कुछ पूरा नहीं होगा। तो 4-5 को सिलेक्ट करने के बाद जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो 2 सदस्य की टीम भेजेगी एक उस हॉस्टल में, जो कि चेक करेगी कि भाई वहां पर वो चीजें, वो जो हॉस्टल है वो एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि हॉस्टल में ये सब चीजें होनी चाहिए, वो वॉशरूम ये सब चीजें अच्छे से हैं, तभी यहाँ पर चेक होगा। अब इस विजिट के दौरान ये इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, सारी की सारी फैसिलिटीज को। इस इंस्पेक्शन के दौरान जब जिला शिक्षा अधिकारी उस हॉस्टल में इंस्पेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये सब चीजें चेक होंगी, ओके। उसके बाद जो इंस्पेक्शन के बाद ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी किसको, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। और जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हो गई, अगर जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो संतुष्ट है कि भाई हाँ इंस्पेक्शन भी अच्छा हुआ है, ये सारे नॉर्म्स को फॉलो भी करते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी जिसे हम बोलते हैं, ये क्या कर देंगे, इशू कर देंगे 1 महीने के अंदर अंदर में। और 1 महीने के अंदर के बाद आप वो हॉस्टल क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, उसमें कुछ और नॉर्म्स अगर आपको कम रह गए थे उसे आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको नया हॉस्टल बनाना है, अगर आपको आरसी मिल चुकी है यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पंजीकरण पत्र आपको मिल चुका है, तो आप नया हॉस्टल भी बना सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 साल के अंदर अंदर में आप बना भी सकते हैं। अब क्या होगा, पहले साल तो आपने जब आरसी ले ली तो वो आपका 1 साल तक के लिए चलेगा, और अब आपको हर साल रिन्यू भी करवाना होगा, समझ गए अब आप, आपको अपने हॉस्टल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको रिन्यू भी करवाना है हर साल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से, समझ में आ गया, यानी कि हर दूसरे साल से आपको रिन्यू भी करवाना पड़ेगा। पहले साल तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो 1 साल आपका चल ही रहा है, अगले साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ओके। और ये आपका रिन्यू करेंगे, और कुछ यहाँ पर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जरूरी होंगी रिन्यू करते वक्त, वो आपका यहाँ पे चेक करा जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसीजर फॉर क्लोजर ऑफ हॉस्टल, अगर आप एक हॉस्टल चलाते हैं और आपको लगता है कि ये हॉस्टल मुझे बंद करना चाहिए, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है? अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको हॉस्टल मन में आया आपने खोल दिया, मन में आया आपने बंद कर दिया। लेकिन अगर आप बंद करना चाहते हो, सबसे पहले आप जिला शिक्षा अधिकारी को बताएंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताएंगे। दूसरी चीज कि भाई ये मैनेजमेंट चेक करेगा आपका, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, की आपको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब इन्होंने ये चेक कर लिया, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी ने ये चेक कर लिया, तब ये अप्रूव करेंगे आपको कि भाई आप अपना हॉस्टल बंद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपके हॉस्टल में बच्चे थे, आपको उन्हें सही जगह पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, उनको सही एकोमोडेशन देना पड़ेगा, और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो भाई ये कंटिन्यूटी ऑफ द सेशन, यानी कि बच्चों का जो पढ़ाई है, बच्चों का जो सत्र है, वो खराब ना हो। मान लीजिए कोई एक हॉस्टल था जिसमें 10 बच्चे रह रहे थे, उनको बंद करना है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में उन बच्चों को डाल देंगे। अब यहाँ पे जो 10 बच्चे हैं, इनका ऐसा नहीं होगा कि इनको घर भेजा जाएगा ताकि इनका जो सत्र है, जो सेशन है, वो खत्म हो जाएगा, इनको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे ताकि इनका जो सत्र चल रहा है 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, इनका ये खराब ना हो, ओके। ये चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए कि भाई आपको बंद नहीं करना है, लेकिन आपके हॉस्टल में कुछ अनियमितताएं पाई गई, अनडिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पे पाया गया, तो यहाँ पे किसके पास पावर है, या फिर कैसे आपके हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन खत्म भी हो सकता है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। कि भाई अगर आपने
वो रजिस्ट्रेशन जो आपने इससे पहले करवाया था ना, 1 साल का रजिस्ट्रेशन जो आपने जिला अधिकारी के, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाके करवाया था, अगर वो फ्रॉड पाया गया, आपने घूस देकर बनवाया है, अगर ऐसा पाया जाता है, अगर आपने कोई नियम कानून तोड़े हैं, दिशा निर्देश तोड़े हैं, तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है कभी भी, अगर यदि ये जांच में पता चलता है कि आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉड तरीके से पाया था। उसके बाद दूसरी, अगर जिला शिक्षा अधिकारी को ये लगता है इंक्वायरी करने के बाद कि आपके जो हॉस्टल है उसमें जो पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और जो भी चिल्ड्रन रिलेटेड लॉज हैं, ठीक है, उसका वॉयलेशन हुआ है, उसका उल्लंघन हुआ है, तो भी बंद हो सकता है। और यदि अगर आपके हॉस्टल में किसी बच्चे के प्रति एक बहुत ही एक तरीके से गंभीर, एक तरीके से केस हुआ है, गंभीर आरोप लगे हैं आपके हॉस्टल में, आपके किसी बच्चे के साथ एक आपराधिक मामला हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर मैजिस्ट्रेट आपके हॉस्टल को तत्काल बंद भी कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है, उसका प्रोसीजर क्या है? अब विड्रॉल रजिस्ट्रेशन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म करना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी है, वो आपके हॉस्टल्स को अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए भाई आपके यहाँ पे किसी बच्चे के पे अपराध हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से आपका रजिस्ट्रेशन खत्म करने की बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे ये है, मान लीजिए ये वाला है, तो यहाँ पर आपका हॉस्टल दोषी पाया गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके हॉस्टल्स हॉस्टल को यहाँ पे डायरेक्टली बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे भाई, आपको जिला शिक्षा अधिकारी बुलाएंगे आपके मैनेजमेंट को कि आप अपनी बात रखिए, अगर आप गिल्टी नहीं है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, और आप अगर आप दोषी नहीं पाए गए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई यदि आप दोषी पाए गए, तो सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी की ये ड्यूटी होगी कि जो वहां पे बच्चे रह रहे हैं उन बच्चों को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी है उनकी, आपकी नहीं है, अगर आपका हॉस्टल है तो, ठीक है। अगर एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड राइट, और स्टेट कमीशन जो होता है इनका, अगर इन्होंने ये देखा कि जो ये हॉस्टल है ये फिट नहीं है बच्चे के हित के लिए, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब हॉस्टल की लिस्ट क्या होती है, ये गवर्नमेंट के पास पहले से होती है, आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपका नाम लिखा ही जाएगा। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर एंड पब्लिश ईच ईयर द गैजेट अ लिस्ट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ ऑल हॉस्टल। एक सरकार को हर साल क्या करना चाहिए कि जो हॉस्टल्स की लिस्ट है उसको जारी करना चाहिए गैजेट में, यानी कि एक तरीके से न्यूज़पेपर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, हॉस्टल विद द नंबर ऑफ सीट्स, और यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई उस हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम, और यहाँ पर ये बताना चाहिए कि किसका कैंसिल हो गया है और किसका अभी बाकी है, ये सब जानकारी देना सरकार का काम है। एक हॉस्टल के तहत आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, यानी कि प्रवेश कैसे मिलेगा एक हॉस्टल में अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो एक हॉस्टल में प्रवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि जो आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके सेक्शन 2NA में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी प्रोसीजर नहीं होगा, स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा किसी हॉस्टल का बच्चे को लेने के प्रति, कि बच्चा हॉस्टल में जाना चाहता है और यहाँ पर हॉस्टल वाले उसके लिए टेस्ट ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी नियम कानून है कि किसी बच्चे को लेना है किस बच्चे को नहीं लेना है, वो नियम कानून राज्य सरकार बनाएगी, ना कि हॉस्टल बनाएगा अपने आप। और यदि अगर किसी को प्रायोरिटी में कोई सीट देनी है, ठीक है, तो वो नियम कानून के तहत देगा, किसी बच्चे का अगर फेवर कर रहे हैं तो वो किसी नियम कानून के तहत ही होना चाहिए, बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। ओके, तो ये ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको हॉस्टल मिल गया, आप बाद में आए और आपसे पहले आए हुए बच्चे को हॉस्टल नहीं मिला, तो समझ लेना वो कानून के दायरे पर रहके हुआ है। मान लीजिए उसकी कोई कैटेगरी होगी तब उसको सीट पहले मिल गई हॉस्टल में, कई बार ऐसा होता है ना हॉस्टल में सीट्स नहीं मिलती। द एडमिशन इन द हॉस्टल शुड बी डन बाय द पेरेंट्स, और जो हॉस्टल में एडमिशन होगा वो माता पिता यानी कि जो पेरेंट्स के द्वारा ही होगा, या फिर किसी गार्जियन के द्वारा होगा, जो उस बच्चे का कंसेंट लेटर लिख के देंगे कि भाई हमारी जिम्मेदारी है और हमने यहाँ पर इस बच्चे को डाला है पढ़ाई लिखाई के लिए, और ये पूरी जिम्मेदारी हमारी बनती है भविष्य में। ओके, और ये कंसेंट लेटर हॉस्टल का लेना बहुत जरूरी है।
भाई क्या शुल्क लिया जाएगा हॉस्टल के द्वारा? तो ये जो शुल्क होते हैं कभी भी फिक्स नहीं होते, ये राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेट करा जाएगा, बताया जाएगा हॉस्टल्स को, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी हॉस्टल एडमिट करते समय बच्चे को कोई भी फीस नहीं लेगा, ठीक है। हॉस्टल इस्टेब्लिश करा जाता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो ये जो फीस है, ठीक है, वो कानून के तहत, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है ना कि भाई इतनी फीस 10 रुपये प्रति महीना, 20 रुपये प्रति महीना, जितना भी फीस दिए, तो ये सब कानून के दायरे पर रहकर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो मिलके करवाएगी। ओके, ये आपका चैप्टर 2 हो गया हमारे NCPCR गाइडलाइंस ऑफ हॉस्टल, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे 3 आएगा। ओके, 3 जो चैप्टर है, या फिर छोटा होगा तो मैं 3, 4, 5 चैप्टर वहाँ पे सारे करवा दूंगा। तो ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। कैसा लगा आपको वीडियो में जरूर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए। ओके, तैयारी करते रहो, अगले महीने एग्जाम है, एग्जाम से पहले पढ़ लेना अच्छे तरीके से, सो दैट कि बाद में अफसोस ना हो। चलिए मिलते हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।